हेलो स्टूडेंट्स, ये 63rd बीपीएससी एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर. लास्ट ईयर क्या, बस इसी साल 2000 जून जुलाई के आसपास में 2018 में, तो वही पेपर है. अभी दोबारा से फिर यूपीएससी एग्जाम कराने वाली है अपने कंडक्ट बीपीएससी सॉरी. और इसका लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर थे, बस वो एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं. मैं आपको गाइड करता रहूंगा. और जहाँ तक मैंने अपना एनालिसिस किया है, ये क्वेश्चन मेनली करंट अफेयर से बेसिस थे. अभी तुम देखना, अभी पता लगेगा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पहला ही क्वेश्चन लो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज हैज बिकम द इंडियन फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम. तो कंसेप्ट सुनो, बात क्या थी, 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम. ये दियू है, ये करंट अफेयर था सीधा सीधा क्वेश्चन. इस पर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. अब एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इजिप्ट में सॉरी मोहम्मद अबू जैद हैं. उन्होंने 2018 में यूनेस्को ग्लेमन कैनन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जीता था वहाँ पे. वो कहाँ के थे? सीधी सी बात है, करंट अफेयर है, इजिप्ट का है. एंड एक हरिमाऊ शक्ति 2018 एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है. ये किसके बीच में होती है? ऑब्वियसली करंट अफेयर है, सीधा सीधा मलेशिया का है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था सेकेंड एडिशन, उन्नत भारत अभियान. तो ये भी सीधा करंट अफेयर है. किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था उन्नत भारत अभियान? ये कहता है मैचाडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. मतलब इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी. और पेपर बहुत सिंपल था लास्ट ईयर देखा जाए. एंड उन्नत भारत अभियान से आ रहा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है एमएचआरडी के थ्रू. और एक क्वेश्चन ये है, गूगल के साथ मिलकर के 360 वर्चुअल रियलिटी एक वीडियो ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया लॉन्च किया गया था. वो किसके मिनिस्ट्री के कनेक्शन में हुआ था? देखो, तो इनक्रेडिबल इंडिया आ जाता है तो टूरिज्म आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. बट ये 360 वर्चुअल रियलिटी है क्या एक्चुअली? आप कहीं भी किसी एरिया में खड़े हो जाओ, तो आप अपने एरिया के ऊपर नीचे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अप डाउन कहीं भी देखोगे, 360 डिग्री में आप देख सकते हैं पूरा. वो एक रोटेटर स्फेरिकल फेस में आपको दिखा देंगे, ठीक है? यही इसमें एक है. फिर एक था, विच सिटी होस्टेड इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल वाइड फूड आर्कियोलॉजी कॉन्फ्रेंस, आर्कियो ब्रोमा. अभी करंट अफेयर है, मुंबई में लॉन्च किया था उस टाइम पे. ये काफी चर्चा में था, मतलब हर न्यूज़पेपर में एक दो आर्टिकल इसके बारे में आया था. व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द 2018 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वो क्या था? अब सीधी सी बात है, 138 इंडेक्स था. ये तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा इस बार यूपीपीसीएस एग्जाम में भी आया होता. और ये बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर चेंज होने वाला ही है जब आपका एग्जाम होगा. एंड फिर विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अवार्डेड 2018 नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉप R&D इंस्टीट्यूशन. देखो, R&D में मेनली इंडिया में दो इंस्टीट्यूशन बहुत टॉप के चल रहे हैं, CSIR और IISc बैंगलोर. यदि नहीं पता है ना, इन दोनों में से तुक्के मारो, अदरवाइज ये करंट अफेयर है. CSIR ने गेन किया था ये था. एंड विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ बेगर्स? ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने रिपोर्ट निकाली थी, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बेगर्स हैं, ठीक है. विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर हेल्थ सेंटर? अरे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के जो हेल्थ सेंटर है वो 100% सोलर पावर है. वो कहाँ के थे? सूरत के थे. करंट अफेयर में बहुत चला, इतना चला है कि ये AIR रेडियो का भी आया, PIB भी आया, काफी दिन आएगा. अब एक ये है हमारा गोल्ड मेडल, गोल्ड इन द मेन्स 25 मीटर रेपिड फायर पिस्टल में गेन किया था अनिस भनवाले ने. ये करंट अफेयर से. और नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन द पैक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप विलेज इन कामरू? तुम्हें पता होना चाहिए कामरू कहाँ पर है. सीधी सी बात है, तुम गेस कर लो कि आसाम का है, ठीक है. विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फुल्ली कवर्ड ट्राइबल हैबिटेशन विद द सेफ ड्रिंकिंग वाटर? देखो ये क्वेश्चन MP, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, ये क्वेश्चन देख सकते हो. तुम्हें बता दूँ, और ओवरऑल इंडिया में हाईएस्ट जो ट्राइबल है वो MP में है, ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, तो आप इसका एक लगा सकते हो. तो बट ऐसे नहीं, इसरो ने GSAT 6A लॉन्च किया था, ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन इससे आते ही आता है. GSLV F08 से हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको, फाल्कन के, ठीक है. और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या थी? फॉरेस्ट सस्टेनेबल सिटी. ये सीधा करंट अफेयर है, आप देख लो सारे करंट अफेयर ही आ रहे हैं अभी तक, है ना. हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल फतेह अल सिसी. ये इसलिए था क्योंकि वो तभी इलेक्शन जीते थे, इसलिए निर्माया. एक जेसी डैनियल अवार्ड 2017 में दिया गया था. जेसी डैनियल अवार्ड दिया किसमें जाता है? ये केरला का ना टॉपेस्ट अवार्ड होता है मूवी में, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म में. वो
वो दिया गया था श्री कुमारन थम्पी को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा इंडियन सेलुलर एसोसिएशन इंडिया एक्वायर्ड व्हाट पोजीशंस इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स। तो पता होना चाहिए वर्ल्ड में दो ही कंट्री है नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना आती है, दूसरे नंबर पे इंडिया आती है प्रोड्यूसिंग में भी और कंज्यूमिंग में भी। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल आउट रूपाश्री स्कीम। रूपाश्री स्कीम क्या कन्याओं के लिए थी, ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की थी, इसके करंट अफेयर थी। अब नीति आयोग का एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज मिशन है वो लॉन्च किया गया था, उसमें उन्होंने पूछा है कि कितना का प्राइस देना था, ठीक है ना, 1 करोड़ प्राइस था, करंट अफेयर था सीधा। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द थिंक टैंक ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स पे एक मीटिंग हुई थी, तो उसको किसने चेयर किया था, सुरेश प्रभु साहब ने किया था, ये सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद नेपाल। अब ये पूछ रहे हैं, देखो इसके लिए तुम्हें सीधा सा है कि तुम्हें क्वेश्चन मैप पता होना चाहिए, मैं तुम्हें एक बार मैप दिखा देता हूँ एटलीस्ट, ये तो देख ही लो। आप ही देखो नेपाल के साथ पश्चिम चंपारण मोतिहारी, ये पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज, और ये जो पुरनिया है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल से टच करता है नॉर्थ नेपाल से, और यही आपका इसका आंसर है, ये लीजिए पुरनिया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रेजेंट इन द बिहार ऑनलाइन बिहार, इसमें देखोगे ऑप्शंस में नंबर का अभाव है, ठीक है। अब तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव एमओयू इंडिया एंड एसएओ कोऑपरेशंस। ये आप याद रखना, एक साउथ एशियन रीजन के लिए हुई थी, ये सासेप है क्या, SACEP सासेप याद रखना, ये साथ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बट इसका जो नाम है वो है साउथ एशिया कोऑपरेशन ऑन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये न्यूज में था पूरा फरवरी मार्च अप्रैल में, ये तीनों महीने न्यूज में आया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड MOU with South Korea in Enhanced Tourism। Obviously बात है UP का था ये, और ये internationally किया गया, तो इसलिए न्यूज में था, मतलब वहाँ जब करंट अफेयर जितना पड़ी होगी इसको क्वेश्चन गलत होने वाली चांस ही नहीं थे। एक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है के साथ MOU हुआ है विद द TIFAC। अब ये कहाँ पर है, जो तुम्हारा काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन है, ये कहाँ पर है, देहरादून में। ज़्यादातर नहीं बल्कि इसको पढ़ के ही तुम, क्योंकि करंट अफेयर अच्छे से था। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज वन द न्यूटन भाभा फंड फॉर द प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर एटोमिक रिसर्च इन गंगा रिवर बेसिन। अब इसके लिए क्या है, ये टेक्निकल क्वेश्चन था, ये नॉर्मली न्यूज में एक हाथ के लिए जर्नल आर्टिकल में आया था ये, तब उसके लिए पूछा गया था। इंडिया यूएस की ज्वाइंट टीम थी, उन्होंने इस पर रिसर्च की थी गंगा के ग्राउंड बेसिन पे, ठीक है ना, और उसी के बेस पे समझ लिया था। ये बर्थ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये न्यूज में था टोटली, कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार में, सॉरी बर्थ नहीं है, बारा सुपर, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज सॉरी यार, उसके लिए कुछ भी, अभी फिलहाल यहाँ पर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, नॉट प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज रिसेंटली साइन द पैक्ट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोट सोलर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट इन एशिया पैसिफिक। ये कौन था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या हुआ था, ISA है, ये इंडिया फ्रांस का जॉइंट इनिशिएटिव है, उन्होंने साइन किया पैक्ट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सोलर डेवलप डिप्लॉयमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। वो ADB में किया था, करंट अफेयर पूरी। इंडिया हैज साइन ट्राईपार्ट MOU विद विच कंट्रीज सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। अब देखो ट्राईपार्ट है तो उसमें तीन नेशंस होंगे, इंडिया रशिया बांग्लादेश, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें डिटेल बता सकता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या किया था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी रशिया से आएगी, ऐसा कुछ इसमें कंसेप्ट था, एक मिनट रख था। What is the most significant features of the Indus Valley Civilization? तो पता होना चाहिए Indus Valley Civilization के basic features क्या है, कि planning होगी, sewage होगा, drainage होगा, और single storage tank होगा, एक window होगी, और जो bricks बनी होंगी, burnt brick की building बनी होगी, ये सब इसके features थे। तो अब तुम देखो true art उसका था नहीं, building worship यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, art अलग है, तो burnt brick ये कर सकते हैं। Megasthenes was the ambassador. Megasthenes किसका ambassador? Obviously बात है current affairs basic, sorry current affairs नहीं, history का basic question है, Seleucus का लिए था ये। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक्स किसके ऊपर थी, जो स्टेट क्राफ्ट था, स्टेट स्टेटमेंट जो होते हैं उनके ऊपर थे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट, ठीक है। अब त्रिपिटक जो है, तीन पिटक जो है वो किससे रिलेटेड है, जैन से हिंदू से, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। सेंट्रल पॉइंट इन आश्रम धर्म, जो सेंट्रल पॉइंट था आश्रम धर्म का वो क्या था, तुम देखोगे लॉयलिटी ऑफ द, नहीं ऐसा नहीं है, पीस ऑफ द नॉन वायलेंस ऐसा भी कुछ नहीं था, रेस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स ऐसा भी कुछ नहीं था, रिलीजियस टॉलरेंस ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि तुम कॉलेज में जाना है यार, वो चार इन्होंने स्कूल बनाए थे, घर
विवाह, उसके बाद तुम्हें गृहस्थ आश्रम, चार आश्रम है वो देख लेना। ठीक है, 36th क्वेश्चन क्या है, द डिवीजन ऑफ मौर्य सोसाइटी इनटू सेवन क्लासेस पर्टिकुलरली मेंशन है। जो मौर्य की सोसाइटी है, सॉरी मौर्य नहीं, मौर्य सोसाइटी है, सेवन क्लास में डिवीजन किया गया था। कहाँ पर मिलता है? अशोका एडिक्स में मिलता है। ठीक है, फेमस चाइनीज पिलग्रिम फायन विजिटेड, देखो तीन है, फायन, हुसियांग और इथियांग, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। फायन याद रखना, सबसे पहले भी यही है, उसके बाद हुसियांग, फिर इथियांग करके आया। ठीक है, चोला एज वाज द फेमस फॉर, जो चोला के एज थे वो विलेज असेंबली और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए फेमस है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सिंपल है। द माइटी गेटवे फाउंड इन द टेंपल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में तीन चार चीजें, गोकर्ण होता है, जल के लिए होता है, निकाट द्वार होता है, ये सब चीजें होती हैं, और एक जो होता है मेन बिल्डिंग के ऊपर एक यान तरह से बैठा हुआ था, मैं आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं, बट हाँ क्वेश्चन में ऑप्शन होगा तो दिख ले, बट ये गोकर्ण होता है मेन गेट। ठीक है ना, द रिमेन ऑफ द विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन, जो विजयनगर के एम्पायर के रिमेन्स थे वो हम्पी में पाए गए। इसको कुछ बेसिक क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंग्स, ऑब्वियसली बालबन है, किंगशिप की, किंगशिप का मतलब ये है जनरेशन जनरेशन की। ठीक है, पेपर केम टू बी यूज, पेपर क्या होता है, जो पेपर तुम्हारी इंडस्ट्री है, तुम्हें लगता होगा कि 14th-15th सेंचुरी में पोर्टुगीज के बाद आए थे, यूरोपियन तब आए थे, बट ऐसा नहीं है, ये 12th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था पेपर। ठीक है ना, इंडिया के अंदर, और इसमें एक चीज ये भी याद रखना, ये पेपर केम टू बी यूज्ड, इन्होंने ना इंडिया पूछा है ना ही आपका वर्ल्ड पूछा है, तो जब पेपर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कंपेयर करोगे तो 12th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, उससे भी आप याद कर सकते हो। यूरोपियन प्रिंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग वो इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ, ऑब्वियसली बात है, अकबर साहब के टाइम पे ये लॉन्च हुई थी, अंदर एंट्री की गई थी। हुआ द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म, 1600 के आसपास में हुई थी, उस टाइम अकबर साहब थे, 1600 में नहीं, आई थिंक उससे पहले ही हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, देखो एक ही याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ा भी नहीं है, बट ये ग्वालियर है सर का, जो कि मैंने अवध सोचता था, बट अवध नहीं है ना, सिंध है, इसको ग्वालियर है, क्योंकि सिंध और अवध सतारा वगैरह सब ये वो कर ले गए। वट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी साठ सत्याग्रह, गांधी जी का साठ सत्याग्रह का, देखो इसको कट करके करेंगे हम, साल्ट साल्ट लॉ को रिपील करना था, बिल्कुल सही करना था, कंटेनमेंट ऑफ गवर्नमेंट पावर बिल्कुल करना था, इकोनॉमिक रिलीफ टू द गवर्नमेंट पीपल बिल्कुल करना था, पूर्ण स्वराज पूरा इंडिया बिल्कुल करना था, जब चारों सही है तो एक तो सही नहीं है, तो पर्टिकुलर पे हम क्या लगाएं, ई, क्योंकि नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव, ये इसका ऑप्शन था, यानी कि ई। मोपलर रिवेन कहाँ हुआ था, केरला का, बेसिक क्वेश्चन है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग दी, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, इंडिया बांग्लादेश के पार्टीशन के लिए बेस पे हुआ था ये, क्योंकि बांग्लादेश को कह रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अकेले संभालने इसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिहार प्रोविंस किसान सभा वाज फॉर्म, ये कब फॉर्म हुई थी, 1929 में ये फॉर्म की गई थी बिहार प्रोविंस सभा, ये याद करने वाली बात है, यदि तुम बेसिक स्टेट पीसीएस का पढ़ोगे तो उसमें मैं कराऊंगा, एक नई वीडियो बनाऊंगा स्टेट से रिलेटेड, तब उसमें कवर हो जाएगा। And by which act Bihar became the separate provinces? 1935 act के अंदर, government of 1935 act के अंदर ये जो आपका बिहार था वो separate हो गया था। ठीक, which one of the following committee or commissions recommended the creation of Naya Panchayat? देखो अशोक मेहता कमेटी बैठी थी जो टू स्फीयर की बात करता है, वन स्टेट और सेकंड स्टेट, ठीक है ना, उसी में नया पंचायत की ये बात करते हैं अशोक मेहता। और भरवंत राय मेहता थ्री स्टेट कमेटी थी, थ्री स्टेट में क्या आता है तुम्हारा, ग्राम, क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, which one of the following function is not the concern of local self government, देखो public health local self का नहीं होता, sanitation नहीं होता, public utility, but sorry is देखो not concern पूछा है मैंने, not concern, अब वो maintenance public order किसका होता है, वो होता है state का, public utility service बिल्कुल होता है, sanitation नहीं होता है, public health कैसे, public health में आप देखोगे जो local government होती है, पंचायती राज वगैरह काफी टीकाकरण में help करते हैं। ठीक है, the system of PRI is mentioned in, ये जो पीआरआई सिस्टम है यूनियन लिस्ट में कहाँ पे, ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है, 50% रिजर्वेशन किस किस में दिया गया है, बिहार में दिया गया है जी, उत्तराखंड में भी दिया गया है, मध्य प्रदेश में भी दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में भी दिया गया है, तो इस पे आप मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, जो है मनी बिल ओनली लोकसभा में प्रेजेंटेड होगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आंसर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन का फेडरल है यूनिटरी भी है और पार्लियामेंट्री भी है, अभी देखो फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इज सुटेबल। ठीक है,
बट इतने ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव में ये वाला ऑप्शन भी लगा सकते हो, बट ये याद रखना है क्योंकि फिल्टर इन नेचर बट इन ट्रेन स्पीड, क्योंकि प्रॉपर फिल्टर भी नहीं है और कंप्लीट इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो इसलिए यही डी ऑप्शन है। हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ऑब्वियसली मतलब प्रेसिडेंट है, रेटोरिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें था। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट को सोचने वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हूम, देखो प्राइम मिनिस्टर जो है यदि तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट को भी रिस्पॉन्सिबल किया गया है और लोकसभा में भी, बट होता है क्या है प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए कि वो उनको इंफॉर्मेशन को अवेयर कराएंगे नेशनल और इंटरनेशनल में, बट जो टेक्निकली और लीगली रिस्पॉन्सिबल है वो है लोकसभा में क्योंकि वो लोकसभा के ही मेंबर हैं और लोकसभा की ही टीम को लीड कर रहे हैं, दैट इज द लोकसभा। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के लिए, देखो ये तो 25 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 एज रख लो आप ना, जो लोकल लेवल पे है यानी कि ग्राम वगैरह में वो है 21 ईयर, जो स्टेट में एमएलए एमपी बनने के लिए है वो है 25 ईयर, और जो राज्यसभा में बनने के लिए है वो 30 ईयर है, और जो प्रेसिडेंट गवर्नर बनने के लिए वो 35 ईयर है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पक्का ये नेक्स्ट ईयर भी आना ही है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कितनी है 65 ईयर, बट हाई कोर्ट के लिए कितनी है 62 ईयर, ठीक है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये तो सीधी सी बात है, बेसिक क्वेश्चन है, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट लेवल पर होते हैं क्योंकि अटॉर्नी तुम्हारे लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इंडिया, देखो नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नॉन ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं बचती इसमें। द अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिफाइनेंस इन इंडिया, एग्रीकल्चर के रिफाइनेंस कौन सा है, वो भी अपेक्स, वो नाबार्ड है, नाबार्ड देती है आरआरबी वगैरह को, आरआरबी देती है अपने लोअर सबडिविजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज ऑफ स्टेट इन द प्रोसीड ऑफ शेयर सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, वो कितना 42% है, ये सीधा करंट अफेयर है, उस टाइम पे ये चीजें बेसिक्स हैं, है ना। दिस सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो, देखो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कंटिन्यूसली दो तीन साल से ही सब, दो तीन साल के कंप्लीटली मेरे को ज्यादा अपडेट आइडिया नहीं है, बट दो तीन साल से तो ये कंप्लीटली हाईएस्ट है एफडीआई में ना, और तुम्हें बता दूं ग्रोथ भी सबसे ज्यादा इसी में ही है और शेयर भी मार्केट में जीडीपी का सबसे ज्यादा इसी गई है। वो अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, उर्जित पटेल साहब रिक्रूट हुए थे तभी इनकी वजह से क्वेश्चन आया। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड, देखो लैंड को डिपेंड करने के कैटेगराइज किया गया है, मार्जिनल सब मार्जिनल वगैरह वगैरह, तो जो मार्जिनल लैंड होता है वो लेस देन 1 हेक्टेयर से होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, ये क्वेश्चन आते ही है, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, abolition of important license, free flow of FDI, disinvestment and public sector equity, and none of the above. देखो import duty के लिए भी बात करते हैं, import licensing की बात करते हैं, FDI की बात करते हैं, but disinvestment of public sector के बारे में हम globalization का कोई relation नहीं है, बस बात यही है। A prevention of laundering act came into, ये कब आया था, prevention of PLA, ये 2005 में आया था। Basic questions, TRIMS क्या है, ये TRIMS हमारा जो है WTO regime से related है, trade related disinvestment measure, ठीक है। नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 जनवरी 2015 में ये एग्जिस्ट हुआ था। गुल्लक बच्चा बैंक, ये उस टाइम न्यूज में थी, दिल्ली की ये बैंक है, राइट। द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर जो चेंज किया गया था ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर 2011-12 में किया गया था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन सेंसस द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग द मेल्स एंड फीमेल्स बोथ इन इज द लोएस्ट फॉर द स्टेट ऑफ, जो दोनों में ही लोएस्ट है वो बिहार की सबसे लोएस्ट है, बट डेंसिटी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी। द एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग इन बिहार इन कंपैरिजन विद द अदर स्टेट, देखा जाए तो सेकंड लोएस्ट है बिहार में। अब तुम्हें सर्च कर लेना लोएस्ट कौन है, वो तुम खुद सर्च करो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है लोएस्ट, हु इज द लोएस्ट। द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज द लोएस्ट फॉर द इंडियन स्टेट, द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस पे सबसे लोएस्ट किसकी है, बिहार की है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन हो गया डेवलपमेंट भी इतना नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार, वो भी लोएस्ट बिहार में ही है। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज द हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, तुम्हें देखो कहाँ कहाँ पर तुम्हारी जो है कॉटन होती है, मेनली कहाँ होती है, जो तुम्हारा डेकन है, डेकन पे होती है और गुजरात वाले रीजन में होते हैं। अब तुम देखो सबसे हाईएस्ट जो यील्ड की बात कर रहा है वो कर रहा है आंध्र प्रदेश से, ये नहीं कर रहा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, यील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। द रोड लेंथ पर लाख ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार की ये सेकंड लोएस्ट है, और हाईएस्ट कहाँ पर है, आई थिंक महाराष्ट्र या यूपी में होगी। ड्यूरिंग द
10,000 BC the population of the world. अब ये तो एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नन ऑफ द अबव आंसर है, ना तो 2 मिलियन 3 बिलियन कुछ नहीं, बट इसके बारे में डेमोग्राफी के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाना एनसीईआरटी से, बेसिक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोकोज प्लेट लाई बिटवीन, ये कोकोज प्लेट यानी जो मेन मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, 7 मेजर हैं और 10-12 के करीब माइनर प्लेट्स हैं. ये आपकी किसी भी एटलस में आप चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा. सेंट्रल अमेरिकन पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकोज आइलैंड पर प्लेट पड़ती है. रस्ट बॉल ऑफ यूएसए एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पिट्सबर्ग रीजन है, पिट्सबर्ग रीजन ये आप देख लेना यूएसए का. सेंट पीटर्सबर्ग से है रशिया में, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द प्रोफेसर अमर्त्य सेन, देखो अमर्त्य सेन से क्या चीज, बेसिक नीड ऑफ अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, नन ऑफ द अबव. देखो इसका मुझे आइडिया पता नहीं है, बट कैपेबिलिटी अप्रोच दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो कैपेबिलिटी अप्रोच ही होगा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पॉट, देखो ये तुम कॉफी पॉट के बारे में, देखो कॉफी, टी, राइस, वीट, मिल्क, ये 5-6 कमोडिटी ऐसी हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए नेशनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी. ये सेंटोस, ठीक है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट एरिया देन एमपी, राइट. Which one of the following soil is deposited by the rivers? River के द्वारा alluvial soil. Alluvial soil कहते हैं बहती हुई जो river पानी के साथ मिट्टी आती है, उसी को alluvial soil कहते हैं. What is the share of hydroelectric power? तुम्हें पता होना चाहिए share जो है, 4-5 चीजें हैं. Thermal का कितना है, electric coil के through कितना हो रहा है, petrol तुम्हारा जो biogas के through कितना हो रहा है, hydroelectric के through कितना हो रहा है, और तुम्हारा solar के through कितना हो रहा है. Hydroelectric का जो share है वो I think 22% है, 22% हो गया. Which census here is called the demographic dividend in the population study of India 1921. अब तुम्हें ये चीज जानना पड़ेगा NCERT पढ़ के कि क्यों कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा इस चीज को ना, आप देखिएगा. The largest number of cotton mills in Tamil Nadu are found, वो कहाँ पे हैं, कोयम्बटूर में. एक्चुअल क्वेश्चन है, कोई नहीं है. Which of the following state is the leading producer of rubber in India? केरला है, कोई रखने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि केरला ही एक ऐसी शायद मेरे को लगता है स्टेट है जहाँ पे 80-90% के करीब रबर प्रोड्यूस होती है. नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट किससे करता है, ये कहाँ से करता है, हल्दियादू अलाहाबाद, ठीक है. वैसे मैंने इसको कहीं हल्दिया टू कोलकाता भी पढ़ा था, बट ऑप्शन में हल्दिया टू अलाहाबाद दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन है इसका. खेत्री बेल्ट पता है राजस्थान में कॉपर के लिए फेमस है, तो कॉपर माइनिंग के लिए ही हो गया. 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा एट फतुआ, फतुआ पे कौन से जॉइन करते हैं, रिवर पुनपुन. ये भी याद रखो, पुनपुन जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये भी पूछ सकते हो क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो नदन बिहार है, देखो बिहार के दो पार्ट हैं, अपर गंगा और लोअर गंगा, सॉरी नॉट नदन ऑफ गंगा और सदन ऑफ गंगा, जो अपर ऑफ गंगा है दैट इज फॉल अंडर CWG. अब बाकी जब नेक्स्ट क्लासेस चलेंगे उसके बारे में कोपन क्लासिफिकेशन में आपको समझा दूंगा डिटेल में, बट अभी इतना ही देख लो आप. विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, ये न्यूवर एलिवेशन है. क्यों, तो एक चीज देखो, ये ना नदन ऑफ गंगा रीजन आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर ये न्यूअर सॉइल्स है. न्यूअर मतलब कि एकदम जस्ट बन करके फ्रेश सॉइल्स है, हाईली प्रोडक्टिव सॉइल्स है. और द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार का क्वेश्चन है पूर्णिया. पूर्णिया तुम्हें पता है ये वहां से टच भी नहीं करता, अभी क्वेश्चन आया था पूर्णिया के ऊपर, ठीक है. त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ, जो त्रिवेणी कैनाल है वो कौन से रिवर पे हुए है, ये है गंडक के ऊपर. द सालवेशन प्लेस ऑफ महावीर जी कहां पर है, ये पावापुरी में है. ये बेसिक क्वेश्चन है. कैमूर प्लेटू किस चीज के लिए फेमस है, लाइमस्टोन के लिए, ठीक है. स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश ने एक अपना जर्नल पब्लिश किया था, क्या नाम था, हुंकार. हु एस्टेब्लिश ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913. अब पटना के अंदर क्या है, देखो ब्रांचेस, ये क्वेश्चन थोड़े से हो जाते हैं ना, ये इजिली मिलेंगे नहीं, तो तुम्हें इसके लिए अपनी बेसिक स्टेट फोकस करना पड़ेगा. ये है सचिंद्रनाथ सन्याल. हु इज ऑर्गेनाइज द किसान सभा एट उंगेर 1922. तो ये क्या है ना कि किसान सभा एट उंगेर, किसान सभा स्वामी सर्वजानंद श्री कृष्णा मोहम्मद, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, स्टेट फोकस है, नन ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन आएगा. बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बोर्न 1934 एंड उनके सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण. जेपी मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था. हु वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार. देखो तुम्हें बता दूं, इनमें से दो उपाध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, एन सिन्हा भी थे, तो नन ऑफ द अबव इसलिए आया है. द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द हुज लीडरशिप.
मोहम्मद यूनू जो फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री थी, तो बिहार के कौन से पर्सन को दी गई थी? ठीक है, हु डिड राजेंद्र प्रसाद कंसिडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो की ही वजह से उनको कहा जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान। पटना लॉन जो था रिनेम्ड एज गांधी मैदान, वो जब जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसी के ऑन डे ऑफ इंडिपेंडेंस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, देखो बिरसा मेहता भी थे इसमें, केटी तेलंगाना भी थे, तो नाना होता इसलिए आया क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। हु एस्टेब्लिश्ड द इंपीरियल कमीशन कॉर्प? सी फॉर कॉर्प, सी फॉर कर्जन, लॉर्ड कर्जन। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन 19 जुलाई 1905। तो ये आप याद रख लेना 19 जुलाई 1905। हु वाज द गिवन द लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कॉलोनियल वाइले? एमएल डिंगरा। डिंगरा साहब का नाम, ये बेसिक है मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक है, ये तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर वाज क्रिएटेड, जो की गई थी वो 1919 एक्ट के थ्रू की गई थी ये, बल्कि कहीं पे ज्यादा मुझे नहीं लगा किसी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ था, एक तो क्वेश्चन तो देखो आता है ऐसा। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक अ पार्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो मेरे को याद है सेकंड में लिया था और थर्ड में और फर्स्ट में तो नहीं लिया था, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। महात्मा गांधी प्रिसाइड ओवर द व्हिच ऑफ द सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑब्वियसली बात है 1924 बेलगांव सेशन में उन्होंने किया था। हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशंस? देखो पैथिंग लॉरेंस थे, स्टालफोर्ड क्रिप थे, एवी वेवल साहब नहीं थे। हु वाज द टेम्पलेट हाउ एवर, किसने लिखा था? रहमत अली। ये आप ऐसे हैं आप ना भी पढ़ोगे ना, बट बेसिक करंट अफेयर पर आप अपनी डिमांड रखोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकता बीपीएससी क्लियर करने में। हु डिक्लेयर सती इलीगल? सती को इलीगल किसने किया था? बैंटिंग साहब। बैंटिंग साहब ने बहुत चीजें इलीगल कर दी थी, उन्होंने ही सोशल रिफॉर्म काफी कुछ किए हैं राजाराम मोहन राय जी के साथ मिलकर के। व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास? पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 में पास हुआ था 1900 में। The Department of State was established under whose headship? Department of State, आपके लिए याद रखना सरदार पटेल साहब का। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार भी ना आ जाए क्योंकि यूनिटी ऑफ स्टैच्यू भी लॉन्च किया गया है अभी गुजरात में। ये भी पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया था गुजरात में, और दिल्ली में कौन किसने रैली निकाली थी, क्योंकि गुजरात में मोदी साहब ने किया था और दिल्ली में जो थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और वाइस प्रेसिडेंट ये साहब थे यहाँ पे ना। ये नंबर वन डिवाइडेड बाय, ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन आपको खुद से करो, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, बट मैथ्स के लिए मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा उसमें काफ़ी कुछ आपको कवर हो जाएंगे, 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो आप इजीली करके आएंगे, और यदि थोड़ा और डिटेल में करोगे तो टाइम बचता है तो एक वीडियो में आप 7-8 क्वेश्चन कर जाओगे। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं। ब्रोमीन क्या है? ये केमिस्ट्री पढ़ो इसके लिए, रेड लिक्विड है। गैस यूज इन वेल्डिंग आर, ऑब्वियसली बात है तुमने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th 12th में, तो ऑक्साइजन और एसिटिलीन होती है ये मिक्सचर के थ्रू। अब गैल्वेनाइज आयरन पाइप के ऊपर जिसकी कोटिंग होती है वो किसके होते हैं? जिंक की कोटिंग होती है, पता होना चाहिए क्यों होती है, बेसिक क्वेश्चन है, हर लोगों के घर में ये मटेरियल यूज होते हैं। जो वेव लेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम की वो रेंज क्या होती है? 4000 से 7500 कहते हैं, बट इसमें आप ऑप्शन देखोगे तो ये बेस्ट सूटेड करता है 4700 से 7600 एंगस्ट्रॉम, ए फॉर एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, राइट? ये एंगस्ट्रॉम जो है, ठीक है। डिटर्जेंट यूज फॉर द क्लीनिंग क्लोथ्स आर, जो डिटर्जेंट होता है कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है? सल्फोनेट्स जो होते हैं वो क्लीन करने के लिए यूज होते हैं। द एलिमेंट एक्सक्रेटेड थ्रू द ह्यूमन स्वेट इज सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, ये नन ऑफ द अबव। देखो सल्फर भी रिलीज होता है, आयरन भी रिलीज होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो नन ऑफ द अबव है इसकी भी ज्यादातर लगभग सभी होते हैं, शायद आयरन नहीं हुआ, बाकी सब होंगे हमारे शरीर से ना, क्योंकि आयरन इतनी इजीली शरीर से नहीं होगा, सॉरी आयरन नहीं हुआ, बाकी सब होते हैं। ब्लू विट्रियोल इज केमिकली क्या है? ये पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड, देखो इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट नॉट पार्टिकल, ठीक है ना, पार्ट जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। द कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इंटू गैसेस, देखो सॉलिड टू इंटू गैसेस सब्लिमेशन होता है, ये बेसिक्स है, मतलब लिक्विड टू डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, या लिक्विड टू गैस बन रहा है, या गैस टू सॉलिड बन रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? तो सॉलिड टू गैस जो बन रहा है, गैस टू सॉलिड बनता है सब्लिमेशन। इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स कौन है? पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक्स है, एस्पिरिन भी है, पैरासिटामोल भी है, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही है।
Which of the following is mostly carbohydrated? Mostly carbohydrated. Wheat, barley, rice, maize. तो ये तो राइस सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेटेड होती है, राइट? द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, हैवीएस्ट कौन सा होता है? देखो गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, प्लेटिनम, इसे नन ऑफ द तो ऑप्शन आ ही गया, क्योंकि इन्होंने पूछा इन चारों में सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, तो प्लेटिनम है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस इस बार भी आने के लिए। टू प्रोटेक्ट द ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज, ये है क्या? जिप्सम है, ठीक है। मतलब प्लास्टर जो है बॉन्स को ब्रोकन होने पे हम शरीर के अंदर नहीं डालते हैं, इससे प्लास्टर पट्टी करने के बाद उसके ऊपर हम सीमेंटेड पट्टी लगाते हैं व्हाइट कलर का, उसे कहते हैं पीओपी, वही होता है जिप्सम। ए हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एल्कीन, ठीक है ना? ये मुझे भी नहीं पता इतना, इसको रटो या कुछ भी करो। द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, ये देखो एसिटिक एसिड है, बेसिक क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड। द एसिड यूज इन द कार बैटरी H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, किसको नहीं पता है ये। 150 द गैस व्हिच कम आउट ऑन द ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर बॉटल, देखो कोल्ड ड्रिंक भी तो कुछ भी तो जब गैस के ब्लूज बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, याद रखना उसी से बनता है। तो गाइज ये थे आपके बीपीएससी का पूरा पैटर्न। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, आई थिंक इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हैं, तो आप करंट अफेयर पर फोकस करो सबसे ज्यादा। उसके बाद आप जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाओ, ज्योग्राफी उठाओ, फिर देन आप बेसिक जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बिहार स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं वो करो। आपने इन पे कमेंट कर लिया तो आपका पेपर पक्का डेफिनेटली निकलेगा। आप मैथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं करते हो, और आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने साइंस वाला पोर्शन उठा लीजिए, पॉलिटी का पोर्शन उठा लीजिए, आप देखिए आपका इस बार पेपर डेफिनेटली निकलेगा। और गाइस ट्रस्ट मी, इस बार हाईएस्ट वैकेंसी है और जितने भी चीज़ें हो सकती हैं क्रैक कर दो इस बार। आई होप कि आपको नेक्स्ट टाइम एज SDM वगैरह देखने को मिले, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह ये वगैरह चैनल देखते हो तो आप उनको रेफर भी कीजिए। थैंक यू।